फरीदाबाद की प्रथला विधानसभा से पूर्व विधायक पंडित टेक चंद शर्मा भी बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। टेक चंद शर्मा ने कहा, अगर उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो जनता जनार्दन का आदेश होगा वैसा करेंगे। उन्होंने इशारे इशारों में कहा, अगर जनता चाहेगी कि निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार बैठना नहीं है। उन्होंने कहा, 2014 से 2024 तक बीजेपी के लिए तन मन से काम किया है। 2019 की विधानसभा में टिकट नहीं मिली उसका उन्हें पार्टी से कोई शिकवा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी किसी भी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दी है, इसलिए अभी हम इंतज़ार करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में सभी पार्टियां अपनी टिकट डिक्लेयर कर देंगी। वहीं उन्होंने कहा कि भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया है। इन सभी लोगों के मार्गदर्शन पर ही अपना कार्य करूंगा। 2024 की विधानसभा में भी जनता जनार्दन चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो उनकी आदेश की पालना करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सभी चाहते हैं कि बीजेपी टिकट टेक चंद शर्मा को ही दे, और ये आज अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज उनकी आवाज़ शीर्ष नेताओं तक पहुंचेगी। इसके बाद अगर टिकट नहीं मिलती है तो जैसा जनता जनार्दन का आदेश होगा वैसा किया जाएगा। आज अभी मैं किसी की बुराई में नहीं पड़ना चाहता। दुर्भाग्य, कई बार ऐसा होता है कि 5 साल साथ ही रहे भी और उन्होंने एक तरीके से ऐसा माहौल रखा कि विधानसभा नाम की कोई चीज नहीं। मैं आज एक मार्गदर्शन के लिए आपके बीच में। चुनाव ठीक 1 महीने बाद आपके होंगे, 5-4 दिन और बढ़ गए हैं, और आज चुनाव के लिए आचार संहिता भी लग चुकी है। अब ये तो कर नहीं सकते कि इसे आगे डिस्कस करें, ये तो तुरंत निर्णय आपको लेना पड़ेगा, और निर्णय भी बड़ा सोच समझ करके लेना पड़ेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी को 2014 से हमारा नाम और 14 से हमने जितनी अपनी अंतरात्मा से इस इलाके को भी सींचा और उनके भी प्रति वफादारी रखी है। अभी पता ना किस किस तरीके की बातें चलती हैं, ये तो शीर्ष नेतृत्व तो सोचेगा कि हमने चुनाव किसको लड़ाना, और आप ये सोचोगे कि हमने चुनाव किसे लड़ाना। शीर्ष नेतृत्व तो अभी जब तक कोई फैसला नहीं लेता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक तो अपील जरूर करना चाहूंगा, जो भी आप निर्णय लें वो 4 दिन बाद का, और निर्णय आज ही लेना पड़ेगा। जब तक किसी पार्टी की ना कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर हुई है, ना भारतीय जनता पार्टी की टिकटें डिक्लेयर हुई है, ना अन्य छोटी छोटी पार्टियों की भी नहीं हुई है, तो आज ये सोचने का विषय है कि आपका जो जज्बात है, और मेरी समझ में नहीं आता, कई बार तो मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ। मेरे को 3 दिन में ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किए हैं जो मेरे से 2-3 साल से बात नहीं हुई।